आपने कांग्रेस नेताओं को अक्सर किसानों के समर्थन में आंदोलन करते देखा होगा, लेकिन राजस्थान में आपको बीजेपी के सांसद किसानों के साथ मिलकर उनका हक के लिए धरना प्रदर्शन करते नजर आएंगे। किरोड़ी लाल मीना है यहाँ पर और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद है। ये जो नजारा यहाँ पर, ऊंट गाड़ियां हैं, किसान आए हुए हैं, राज्य भर से आए हुए हैं और चाहते हैं कि बाजरे की खरीद MSP पे हो। बाबा, हमने अक्सर यही देखा है कि कांग्रेस के नेता किसानों को लेकर धरना प्रदर्शन करते पूरे देश में नजर आ जाते हैं, एक बार आप तो फिर धरने पे बैठ गए किसानों को लेकर। किसानों के पीछे घड़ियाली आंसू कांग्रेस 10 महीने से डाल रही है, बहका रही है। अब बिचौलिया हमको यहाँ बाजरे में लूट रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए। जिस बिचौलियों को कृषि कानून खत्म कर रहे हैं, बिचौलिया नहीं होना चाहिए। मेरे यहाँ राजस्थान में देश का सर्वाधिक बाजरा पैदा होता है, 50% अकेला राजस्थान पैदा करता है और इनका बाजरा बिक रहा है 900 से 1200 प्रति क्विंटल, जबकि केंद्र सरकार ने MSP तय कर दी 2350 रुपये प्रति क्विंटल। अब हम यही पूछने के लिए आए हैं कि जब केंद्र ने MSP जारी कर दी, सारा पैसा केंद्र देगा, आपके जेब से आप कौड़ी नहीं देने वाले, तो मेरे किसान को क्यों लूटा जा रहा है बिचौलियों द्वारा? क्रय केंद्र राजस्थान की सरकार खोले और उनका बाजरा खरीदे। बगल के हरियाणा ने MSP पे खरीद हो रही है, हम अब हरियाणा में बेच नहीं सकते क्योंकि वहाँ नीति बदल दी। गत वर्ष तक तो उन्होंने खरीदा था लेकिन अब नहीं खरीद रहे, तो गहलोत जी के दरवाजे पर बैठे हैं कि हमारा बाजरा 2250 रुपये जो MSP निर्धारित किया उस पर खरीदा जाए, क्रय केंद्र खोले जाए और MSP से कम खरीद रहे तो भावांतर योजना लागू की जाए, PDS में शामिल किया जाए, किसानों की लूट बंद किया जाए। बैठे हैं दरवाजे पर कब तक? क्योंकि बड़ा सवाल है, जब तक गहलोत साहब बैठाएंगे तब तक बैठे। हम तो तनिक भी नहीं बैठना चाहते लेकिन जब तक वो बैठाएंगे तब तक बैठे। किरोड़ी लाल मीना साहब साफ तौर पर बोल रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी हो जाती नहीं तब तक ये बैठेंगे। किसान लोग हैं, मैं इनसे भी बातचीत करता हूँ। भाऊ जी, आप किसान हैं? हाँ जी। कहाँ से आए हैं? बस्सी से। क्यों ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग? नहीं यार, धरना प्रदर्शन को नहीं, मैं तो मांग कर रहा था कि हमारे जो बाजरा है 600 रुपये किलो में खरीद और उन बाजरा ने बोयो सब घर का ननाणिया बाया जो त्यार उखाड़ी करी और अब उन्हें बेचना चाहे तो 900 और 1100 रुपये कुंटल में खरीदे थे। तो मेरी सरकार ने अखे बाया था कि सरकार 600 रुपये किलो का बाजरा ने 900 रुपये किलो में क्यों बकवा हो चाहे माका छोड़ देना फांसी दिया का इन कोड़े बेचा जहाँ हरियाणा का मैं सुना था 2250 रुपये कुंटल बाजरो थे तो माँ के 900 रुपये कुंटल क्यों कर रहे हैं क्यों थे? या सरकार मानसू 100 किलो व्यवहार क्यों कर रहे हैं क्यों थे? वहाँ की जनता को ना, रूरल में जो जनता रहते हैं उससे इतना दुराचार क्यों करती है ये सरकार कि उनको पूछने वाला नहीं। व्यापारी लूटा लूट मचा रहे हैं, वो मर्जी के मुताबिक भाव लगाते हैं। वही बाजरा जैसे हरियाणा पंजाब में 2200 साढ़े 2200 और वही बाजरा 900 में। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे कम से कम ये खरीद केंद्र खोले जाएं, तहसील स्तर का एक जहाँ राजस्थान में 200 तहसील बताओ थे, कम से कम एक एक केंद्र भी खोल दे तो माँ का बाजरा ने जो भी फसल पैदा जी ने बेचा जी। मैं तो इन्हें सरकार ने खेवाया था माँ की सुना जो तो वाह नहीं, फिर माँ की आत्मान को था दृष्टि दे जे तुम मरो तो भाई सीधी बात यह कल्याण। मंडी गए, मंडी में बेचने गए कभी आप? अधिकारी क्या बोल रहे हैं? मैं खुद गया था महाराज, मारा 60 मन बाजरो जो 9.5 रुपये किलो बिके थे, अब कैसे कुआ में पड़ू मैं? मारे थोड़ी देर का तो खुआ और कोड़ा लत्ता पेरा और काय फीस में दी और कहा बढ़ाऊ। अरे अब जहाँ सरसों और बीज खरीदना पीसा भी कौन पीसा करे वो बाप थे जे 2500 रुपया उनका कट्टा का DAP खाद का 2500 रुपया ये को NP क्या हो जब हुआ जी खाद बीज गए कौन है 3000 रुपये कुंटल तो जो को बीज अब जो पीसा मना वो 900 हजार उन 32 करोड़ लगवा जो मेरी सरकार ने कह पाया था भाई सरकार महाराज थारे लोग ध्यान तू माँ की सुन ले अरे बाजरा तू खरीद ले मांगन रुपया चल रहा मेरा नाच या बीज खरीद ले ला या सरकार से कहने आए हम तो सरकार से ये कहने आए हैं कि आप हमारी फसल कर लीजिए हम बीज खरीदेंगे अगली फसल के लिए। अब मैं आपको देखिए नजारा दिखाता हूँ कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं यहाँ पर, क्योंकि इनकी मांग जायज है। ये रेगिस्तान का जहाज है ऊंट, इसी को लेकर ये लोग यहाँ पर आए हैं। और बाजरा ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो किसान राजस्थान में यहाँ पर आए हैं धरना प्रदर्शन में अपने साथ बाजरे की बोरी भी लेके आए हैं। भाऊ जी,
मंडी गए बाजरा बेचने, यहाँ तो कौन खरीदेगा, मंडी गए आप बेचने? गहलोत ने जाना, गहलोत ने मंडी में क्यों नहीं बेच रहे? मंडी में भाव भी लगा रहे, 1000 रुपए बोरी का दे रहे थे मैंने। कितना भाव दे रहे हैं? 1000 रुपए बोरी का, बस 2500 बोल रही है सरकार। सरकार गहलोत ने चोल रहा बाहर लड्डा भर ले रहा था। किसान है, नाराजगी इनकी साफ तौर पे देखी जा रही है, क्योंकि मंडी में इनको आधा भाव भी नहीं मिल रहा, और यही कारण है कि यहाँ पर ये देखिए रेगिस्तान का जहाज है। किसानों के लिए ये शायद सबसे ज़्यादा मददगार है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में ये लोग इसी ऊँट गाड़ी पर अपना बाजरा, ये हर जगह आप देखेंगे, हर जगह आपको ये बाजरा मिल जाएगा। राजस्थान में इसकी सबसे ज़्यादा इसी बाजरे की पैदावार भी होती है, लेकिन इनका खरीदार शायद इन्हें कोई नहीं मिल रहा, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री के पास अपनी परेशानी, अपनी गुहार लगाने ये लोग आए हैं। चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इनकी फसल खरीद ले, या अपनी अगली फसल के लिए बीज और खाद खरीद कर उसकी तैयारी शुरू कर दें। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।